क्रूर है जे मकरू, आप अपने पूर्ण कर्तव्य को कर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने पूरे न्याय किए। शनि साढ़े साती का न्याय अभी तक जितना वीडियो सुना उसमें इतने सारे लोगों को मैं डील किया, इसमें आप अपने कर्तव्यों को पूरा किए, बहुत अच्छा लगा जान के और बढ़िया बात है। लभरा लभरी का एक रोचक कहानी जिसमें रॉन्ग नंबर से ही सेट हो गया, ठीक है, और फिर मतलब आपका भी इंजन है उसका भी पहले से इंजन था और फंस गए दोनों एक साथ, ठीक है। तो हाँ, ये साढ़े साथी में ये किस्सा कहानी होते हैं। इस समय वो सारे लभरा लभरी मिलते हैं साढ़े साथी में, या वो लड़की आएगी या वो, देखो दो प्रकार के आते हैं, एक तो डायन चिरगन भूतेन पितेन पिसाचन, जो लूट खसोट के लात मार के बर्बाद करके बदनामी करके आपका जिंदगी को पस्त कर देते हैं। पहले मीठा मीठा बात बोलेंगे, लड़की हो चाहे लड़का हो, भूत प्रेत पिसाच हो चाहे डायन चिरगन भूतनी पितनी हो, दोनों जिंदगी में आते हैं, लड़की के ज़िंदगी में आते हैं, लड़का के ज़िंदगी में आते हैं। साढ़े साथी में ऐसा फिल्म मैक्सिमम होता है, बड़ा मज़ेदार किस्सा कहानी होता है इसमें। और चलो आप तो सेव हो गए, बच गए कि आप एज ए मकर आप अपने कर्तव्यों को निभाए, ये बात सुन के बहुत अच्छा लगा। आज आप उस प्रकार के, हाँ बहुत अच्छा बात है, और सबसे ज़्यादा खुशी लगा कि आप उसको सही थैथान कर दिए, माने सही उसका रखरखाव कर दिए, इतना रुपया 1.5-2 लाख रुपया खर्चा किए, बहुत अच्छा मेरे प्यारे मकरू, बहुत अच्छा, थैंक यू। वजन हल्का लग रहा है, मन शांति है और आगे और अच्छा हो जाएगा, आगे और अच्छा हो जाएगा, इसमें उस प्रकार का तनाव और नहीं रहेगा। और ये सुन के खुशी लगा कि आप 1.5-2 लाख रुपया उसके पीछे खर्चा किए, बेचारी बीमार में थी और उसको ठीक कर दिए, और साथ में वो आपको छोड़ नहीं रही थी, लटक गई थी, अभी आप चाहते हो कि उसका शादी वगैरह हो जाए, समझ। ए बाबू सुनो, सड़ने साढ़े साथी में कोई भी लबरा लबरी आ जाए तो वो कभी परमानेंट नहीं होता है। पूर्व जन्म का बकैया कर्म, जब देखो 2019 में शनि बकरी हुए, तुम्हारे पास मिस कॉल आया, तुम्हारा पिताजी चले गए, गुजर गए, पिताजी देखो तुम्हारे द्वादश स्थान में बैठे हैं, पिताजी भागे, तुम्हारा ज़िंदगी में प्रॉब्लम शुरू हो गया। इतना बड़ा तुम नेता हो और इतने सारे लोग जानते हैं, सोचो मान सम्मान नष्ट नहीं हुआ, यही सबसे बड़ा बात है, वरना हाँ यही बड़ा बात है कि इसीलिए तुम भाग्यवान हो, तुम्हें धन्य है, वरना इसी टाइम में तो मैक्सिमम लोगों का मतलब समझ लो बेड़ा गरत सत्यानाश। ऐसे डाइन चिरगुम दरिद्रा आ जाती है कि गर्दन में बैठ के सारा पैसा खसोट के ब्लैकमेल करके लूट के लेके तुम्हारे मुंह में हागू करके चला जाए, ठीक है। तो लेकिन आप बहुत लक्की हो, भाग्यवान हो, इसलिए क्योंकि आपका कुंडली बहुत मजबूत है, हाँ बहुत मजबूत है, सॉलिड कुंडली है, एकदम मस्त, दिल खुश दिमाग खराब। लग्न से तृतीय में शनि लक्ष्मी योग महाराज योग, सोच लो चंद्रमा से एकादश का शनि, एकादश का फलदा भवंतु, प्रचंड एकदम परचम लहराएगा बेटा, राजनीति में बहुत ऊंचा उठोगे, बढ़िया है, एकदम मस्त, गुड सॉलिड टॉप, एकदम कहना नहीं है, कोई मायकालाल रोक नहीं सकता, आ रहा है तुम्हारा राजयोग एकदम शनि के महादशा में। गुरु का चलो जैसे तैसे निभा लो, अकारक है और आपके लिए लॉस हाउस का भी लॉर्ड है, लेकिन चलो गुरु का दृष्टि से बच रहे हो, कोई बात नहीं है, ठीक है, उठा के पटकेगा एक बार, बस इसीलिए तो बचे हो क्योंकि गुरु दीक्षित हो और गुरु के शरण में चल रहे हो, गुरु बचाते बचाते ले रहा है, शाबाश, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है, चिंता का कोई विषय इसमें नहीं है, दिव्य आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो सर, एकदम चिंता ही नहीं है, कुंभ का गुरु लेके जन्म हुए हो, ऐसा आदमी से देखने से तो हृदय गदगद हो जाता है, पूर्व जन्म के दिव्य आत्मा, कुंभ के जब मेला जब लगता है ना तब अमृत बरस चारों तरफ होता है, और कुंभ के घर में गुरु बृहस्पति, कई बार बोला हूँ आपको भी बोल रहा हूँ ताकि आपको जानकारी हो कि आप दिव्य आत्मा हो, दिव्य विभूति हो, कुंभ के समय जन्म हुए,
उस समय गुरु का अमृतमय वृष्टि होता है और इस समय वे जन्म होते हैं जो आध्यात्मिक व्यक्ति विशेष होता है। आध्यात्मिक कर्म करोगे, राजनीति में बहुत ऊंचा जाओगे, धर्म को मान के चलो, धर्म के साथ चलो, गुरु के शरण में चलो और माता रानी का कृपा से ले के चलो, नवरात्र करो, आपको चिंता नहीं है, कोई माय का लाल नहीं है जो रास्ता रोक सके काट सके, ठीक है। और सोचो तुम्हारा शुक्र स्वगृही, अरे यार दिल खुश दिमाग खराब मस्त है एकदम, क्या कुंडली रखे हो यार, चंद्रमा से दशम मत तेरी भला हो जाए। धन के घर में स्वगृही शुक्र धन का कमी देता है, बमबमा के धनी देता है। और ये जो 1.5-2 लाख रुपया तुम्हारे लबरा लबरी के लिए खर्चा किए हो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए, ये शुद्ध समेत आ जाएगा। अगर कंजूसी करते तो मर जाते बेटा, बहुत पाप लग जाता, बहुत पाप लग जाता, ठीक है। हाँ, दिल खोल के शाबाश, थैंक यू बेटा, धन्यवाद, तुम्हें सैल्यूट करता हूँ, वीडियो में देख लेना, सैल्यूट करता हूँ तुमको, बहुत सुंदर, दिल खुश, मेरे एक एक रोंगटे खड़े हो रहे हैं तुम्हारे कहानी सुन के, तुम्हारा लबरा लबरी वाला कहानी सुन के, बहुत सुंदर, मन भर गया यार तुम्हारे से बात करके, और तेरी और मेरे पूर्वज जहाँ से आए थे वहाँ से बात कर रहे हो, कनौजी पंडित कनौजी लोग, तेरे दिल खुश शाबाश, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और उसको कृपा दृष्टि रखे रहना, लेकिन इलीगल रिलेशन फिजिकल रिलेशन नहीं रखना, नहीं तो फंस जाओगे बुरी तरह, मान सम्मान हानि हो जाएगा। इलीगल रिलेशन फिजिकल रिलेशन अभी नहीं रखना है उसके साथ एट एनी कॉस्ट। मौका बहुत मिलेगा, रोएगी धोएगी, लेकिन नहीं नहीं तो नहीं। दूर से हर प्रकार का सहायता कर दो, पूर्व जन्म का तुम्हारा बीबी थी वो, ठीक है, इस जन्म में आ गई विधवा होके, चाहे छटरी मटरी हटरी पटरी होके, लेकिन याद रखना कि 7.5 के कंडीशन में तुम अगर बच गए तो उसी का भी आशीर्वाद है, उसका आशीर्वाद है, उसका तुम ठीक कर दिया। अगर गलत किए होते तो अभी हालत पस्त, कुंडली दिखाने का भी लायक नहीं रहते तुम, ठीक है। शनि बाबा बहुत आशीर्वाद देगा, हाँ एकदम, शनि बाबा बहुत आशीर्वाद करे बेटा तुमको, बहुत आशीर्वाद करे, कोई चिंता का बात नहीं है। और सोचो शनि तुम्हें तो कष्ट दे ही नहीं सकता, इधर से एकादश इधर से तीसरा, मस्त कंडीशन पे बैठे हो, कोई चिंता का विषय नहीं है, ठीक है, बढ़िया है बढ़िया एकदम। मेरा तो दिल गदगद हो गया यार तुम्हारा बात सुन के, ऐसा लवरा लवरी, रोमियो जूलियट, हीर रांझा, राधा कृष्ण भगवान, बढ़िया है शाबाश। और उसको और भी कुछ हो ना मेरे हिसाब में, तुम्हारे पास अगर और कुछ बचता है उसको लेके उसके चरण में डाल देना, नमन कर देना उसको, आचार्य संजय बोला है बोल देना उसको, ठीक है, बोला ये ले और ले, खुश रहे, आप मुझे आशीर्वाद कर, मेरा भी बच्चा बाल बच्चे अच्छा रहें, तेरा भी कल्याण कर देंगे, ठीक है। हाँ हाँ, लेकिन दिल से कभी नहीं जाएगी ये, दिल से तुम्हारा कोई नहीं जाएगी, क्यों नहीं जाएगी बता दे रहा हूँ, सुनो, लग्न से पंचम में चंद्रमा बैठा हुआ है, कभी ज़्यादा सोच बढ़ेगा, कभी कम सोच बढ़ेगा, कभी बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचोगे, मन में बहुत ज़्यादा प्यार उसके लिए उमड़ेगा और कभी कम हो जाएगा। और बहुत हृदय का ऐसे कन्या लग्न हो और ये मकर का चंद्रमा हो, ऐसा आदमी तो बहुत रेयरेस्ट होते हैं, दिल के बड़े प्यारे,